अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, बिरावो वैसे भी हो, क्या हाल है? ठीक ठाक हो? मैं तुहरा दोस्त है, तुहरा होस्ट मज़र फरीद है, तुसा दे पे उस रह की डेरा सराय किस्तान का यूट्यूब चैनल। दोस्तों के जिम्मे को तो पता है, पिछले जुम्मे भी अस सारे इकट्ठे आसे और इवें ही अज भी अस सारे इकट्ठे से और तमाम दोस्तों का जरा ना मुतफिक है विला गई कि अज जरा ना उस शरीफ आके इतों के जिन मज़ारात हैं उन्हें ज़ियारत की वजह तो सब तो पहले असा इतना हाजिर थे हैं हजरत जलालुद्दीन सुरखपोश रहमतुल्लाह तआला दे मज़ार दे उते। और अगर मैं तो लिखा सकां ये जड़ियां सीढ़ियां असा चढ़ते पे पहले इतने कर सारा कब्रिस्तान है, पहले इतनी सारे कब्रां ए बाद च तकरीबन अज तो 10 से 15 साल पहले ये वजूद च हैं। हूँ तो पहले ये सीढ़ियां इतना वजूद च कहना हैं, इतना ये सारे कब्रां और इतों तुसा देते पे सारा जरा ना इतों को नज़र अंदर ये सारा कब्रिस्तान है। और ये भी इतना जगह जी तुसा देते पे जितों पिछों गार्ड बैठे ये भी इतना कर कहना हैं। ये जगह रस्ता है जरा अगू तो मान के गेट लिखे हैं जरा असल ही ना रस्ता है ओह ये बाद ये रस्ता बढ़ाया गया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या ठीक ठाक से? ठीक आमीन। ये तो सा देते पे ये जरा दरवाज़ा इतना तो आपको नज़र आता पे पहले तकरीबन 15 से 16 साल पहले भी अगर मैं गाल करा तो हूँ वाले ये दरवाज़ा खुला होता है। इनका एक अक्का बिच एक बिया दरवाज़ा भी होता ही हीं साइड तो तुम देख सकते हो उदू एक बिया दरवाज़ा भी है ये दो दरवाजे ही नहीं होंगे हूँ बंद कर दिता कि रस्ता बाद इतों बढ़ाया गया। यह जगह भी इतना के पहले पहले तामीर कहना है। और इवें ही हज़रत जलालुद्दीन सुरखपोश रहमतुल्लाह तआला अलैह दे मज़ार नाल मुत्तसिल मगरब दी जानिब ए मस्जिद अब्बासिया सल्तनत दे बहावल खान बहादुर अब्बासी ने 1261 दे विच तामीर कराए। ही मस्जिद इतना कदीम समझा वेंदे कि महकमा आसार कदीमा दे माहिरीन दे मुताबिक ए उस शरीफ दी सब तो पुरानी मस्जिद है। और ही मस्जिद बारे ये गल भी मशहूर है कि हिंद हज़रत उस्मान मौदूदी रहमतुल्लाह तआला हज़रत सखी लाल शाहबाज कलंदर रहमतुल्लाह तआला हज़रत बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी रहमतुल्लाह तआला और हज़रत फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह तआला को हिंद एतकाफ करन दा शर्फ हासिल थिया। वैसे तो ही मस्जिद की तजयन और आरइश कई दफ़ा की गई है लेकिन पाकिस्तान बन के बाद इदारे की नाअहली की वजह तो यह मस्जिद हुण खंडरात दे विच तब्दील थी चुकी है। तो दोस्तों चूंकि ये मस्जिद सब तो पहले अल्लाह ताला दा एक घर है, दूजे नंबर दे आसारे कदीमा दा विरसा है और तीजे नंबर दे सराकी सकाफत दा बेहतरीन नमूना है, जिस वजह तो असा महकमा औकाफ और महकमा आसारे कदीमा को दरखास्त करे सू अपने चैनल दे तवस्सुत नाल के हिंदी तजयन व आरइश तो मुतालिक थोड़ी संजीदगी दा मुजाहरा करें। तो बिल आखिर दोस्तों हूँ मैं तो आपको हज़रत जलालुद्दीन सुरखपोश रहमतुल्लाह तआला अलैह दे बारे दस सां। आप दा नाम मुबारक जलालुद्दीन और अलकाबाद दे विच हज़रत सुरखपोश शेर शाह कुतबुल कमाल कुतबुल अख्ताब शेखुल इस्लाम जलालुल्लाह मखदूम जहानिया और जलाल अकबर शामिल हैं।
और आप दा शिजरा मुबारक 15 वास्तियां तो हजरत सैयदुल शहदा इमाम हुसैन पाक दे नाल वांदे मिलदे। आप दी विलादत बा सआदत 5 ज़िलहज 595 हिजरी को बुखारा दे विच थई, जेड़ी वजह तो आपको हजरत जलालुद्दीन सुरखपोश बुखारी भी आख्या वेंदे। हजरत जलालुद्दीन सुरखपोश रहमतुल्लाह तआला अलैह एक फकीह आलम दीन आबिद व आरिफ बिल्लाह मदरजात वली हैं। आप अलैहि रहमा ने एक अरसे तक अलूम इस्लामिया दी दरस व तदरीस का फरीजा सर अंजाम दिता, जिस दी वजह तो एक जमाना आप दी उलूम जिस्मानी और उलूम रिहानी तो फैजयाब थी कर रही कई कबायल मुसलमान थे, जिन्हें विच मशहूर कबायल का ना राजपूताना कबायल, सियाल कबायल और टैरो झंझड़ मुसलमान थे। आपने अपनी जिंदगी दे अंदर त्रै निकाह कीते, जिन्हें दे विच अल्लाह ताला ने औलाद दी बरकत पैदा फरमाई। आप दी पहली शादी दे विचों हज़रत सैयद जाफिर और हज़रत सैयद अली पैदा थे और आप दी दूजी शादी दे विचों हज़रत सैयद सदरुद्दीन और सैयद बदरुद्दीन पैदा थे और आप दी त्रीजी शादी दे विचों हज़रत सैयद अहमद कबीर पैदा थे, जेड़े के हज़रत जलालुद्दीन जहानिया जहां गश्त अलैहि रहमत वालिद करीम। और आपको नकवी और बुखारी सादात दा जद्दे अमजद भी आख्या वेंदे। और इवें ही बिल आखिर 19वीं जमादियुल अव्वल 690 हिजरी को आप ही दुनिया फानी तो रुखसत फरमा गए और हर साल आप दा उर्स मुबारक 17, 18 और 19वीं जमादियुल अव्वल को उज शरीफ दे विच मनाया वेंदे और हज़रत जलालुद्दीन सुरखपोश रहमतुल्लाह तआला अलैह दी मज़ार पाक भी उज शरीफ के अंदर मौजूद है, जिथा रोज़ाना सैकड़ों जायरीन आके फैजयाब थी। और उम्मीद है दोस्तों तुहाकू साडी अज दा विलॉग बहुत ही अच्छा लगा सी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करे सो, चैनल को सब्सक्राइब करे सो, ताकि आने वाले दिन मजीद साडे अच्छे विलॉग और मज़ारात की ज़ियारत कर सको। और दुआ है दोस्तों कि अल्लाह तबारक व तआला तुसा असा सारे को अपने हिफ्ज़ो अमान च रखे।